प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण के हितलाभ वितरण कार्यक्रम में 62 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन निर्माण कार्यों में लोकार्पण के 28 और भूमि पूजन के 34 कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया उनकी कुल लागत लगभग 130 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कमलनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग के हित संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के विकास के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश की 70% जनता कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 21 लाख किसानों की ऋण माफी कर अपना वचन पूरा किया है। प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए ऋण माफी के साथ उपज का पर्याप्त मूल्य देने के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्रांति लाए जाने के प्रयास भी जारी हैं। सतना जिले के अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1 अप्रैल से 10 दिसंबर तक विभिन्न अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के 160 प्रकरणों में 1,73,62,500 की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में 42 समितियों के तहत ग्राहकों को लगभग 22 करोड़ का भुगतान किया गया है। इस साल 7,40,958 पौधे वन मंडल द्वारा वन भूमि में लगाए गए हैं। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 12 गांव में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। जिले में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिभा पर्व का आयोजन 12, 13 और 14 दिसंबर को किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले को बीएससी नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिली है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली और नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश ने यहाँ के जीएनएम कॉलेज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का बीएससी नर्सिंग कॉलेज के रूप में उन्नयन किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिले भर में अब तक 1,451 गर्भवतियों को लाभान्वित किया गया है। योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिले में दस्तक अभियान का दूसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू हुआ, यह 18 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत सर्वे कार्य में शहरी क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों की सूची प्राप्त की जा रही है और उसका सर्वे सूची से मिलान कराया जा रहा है। इस अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इससे बच्चों के शरीर में संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि में विकास होता है और आंखों को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी ये सहायक होती हैं। जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को आपसी रजामंदी से 2,918 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें लगभग 61 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए और 3,734 व्यक्तियों को इसका लाभ मिला। जिले में नागरिकता संशोधन विधेयक और भारतीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर विभिन्न राज्यों में हो रहे आंदोलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. सत्येंद्र सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए संपूर्ण जिले को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। जिले में धारा 144 भी लागू की गई। सतना जिले में पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित है। यात्री ट्रेनें लेट चल रही हैं, वहीं तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, आग और हीटर का सहारा ले रहे हैं। जिले में न्यूनतम तापमान 9 सेंटीग्रेड और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव के मुख्य आतिथ्य में प्रियंबदा बिरला उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2019-20 डॉजबॉल 19 वर्ष बालक बालिका प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।